नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर बालाघाट जिले के उकवा से। 100 मीटर दूरी से फोर व्हीलर गाड़ी अनियंत्रित हो मकान से टकराई, दो नाबालिग युवाओं की मृत्यु। थाना रूपझर पुलिस चौकी उकवा में समनापुर दुर्गा राइस मिल में रोड से एक स्विफ्ट गाड़ी तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर रोड किनारे बसंत हरपाल के मकान के ऊपर स्लिप के कोने में लगभग 12 फीट ऊपर टकराई, पलट गई। गाड़ी में दो नाबालिग युवा सवार थे। गाड़ी क्रमांक MP50C5059 मृतक गिरीश बारिक पिता दीपक बारिक उम्र 17 वर्ष जाति गोंड निवासी मलाजखंड नानी के घर में आया था। दूसरा मृतक वैभव नंद पिता नीलेश नंद निवासी उकवा उम्र 17 वर्ष जाति गोंड ने माइल हॉस्पिटल लुकवा में दम तोड़ा। घटना रात्रि 1-2 बजे के बीच की बताई जा रही। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 100 नंबर स्टाफ के साथ कांस्टेबल 792 सुनील भदौरिया, हेड कांस्टेबल विवेक दुबे एवं वाहन चालक रोहित केकटीकर के द्वारा घटना स्थल पहुंचकर मृतक का शव गाड़ी में दबा हुआ था जो दम तोड़ दिया। दूसरा मृतक वैभवनंद पिता नीलेश नंद जिंदा था, जिसे गाड़ी से निकालकर माइल हॉस्पिटल उकवा ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। देखे खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। उकवा से सुप्रीम पावर न्यूज की रिपोर्ट। हॉस्पिटल में था हाँ। तो मेरे को 1:45 बजे पेशेंट को लेके आए, तो उस समय थोड़ा सा जिंदा था। कौन? वो वैभव। और फिर हम यहाँ आए हैं स्पॉट में, तो एक यहाँ फंसा हुआ था। फंसा हुआ था, पुलिस वाले आए रात में। पुलिस वाले आए, फिर मैडम आई, डॉक्टर मैडम, फिर अपना क्या बोलते हैं बड़े साहब को बुलाए। अच्छा, अपने माइंड मैनेजर साहब। माइंड मैनेजर साहब को फिर साहब ने फिर उनको बॉडी निकाले, बोले फिर निकाले। घटना कैसी घटी है? अब वो भैया नीचे से दिखा, नीचे से दिखा, फेस पे दिखा, फेस पे। खींच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। आ गया। खींच लो, और उठाना पड़ेगा गाड़ी थोड़ा सा। लगा हेलो हेलो, एक गाड़ी पलट गई है, 108 दो लोग घायल है। अबे यार।